हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टार टीचर टीम। देखिए फ्रेंड्स, फिर से हम एक नई वीडियो में हाजिर हुए हैं। देखिए यहाँ पर हम जीएस का फुल रिव्यू करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे ऑथेंटिक हैं, और यहाँ से मैंने जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सारे रियल और 100% सही होने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये जो रिव्यू दिया है ये बहुत लेट दे रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन ये रिव्यू जितना भी होगा सारा रियल होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जो पंचायत सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई, तो ये नागौर जिले में हुई थी और ये राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वह प्रक्रिया जिसमें कि जो वर्षा का जल होता है या साधारण पानी होता है वो रिस कर अंदर चले जाता है, तो उस प्रक्रिया का बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। ये मैं पहले भी करा चुका हूँ, एक साइंस की मैंने अभी अभी रिव्यू डाला है, तो आप वहां से भी जाके साइंस के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए जिम्मेदार कारक कौन से हैं, तो उसमें है लाइकेन और शैवाल। ये ऐसे कारक हैं जो कि हमारे पर्यावरण को बैलेंस रखने में हमारी मदद करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कशेरुकी के लीवर में एसईआर की फुल फॉर्म क्या होती है, कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है विष व औषधि का विष हरण करना, यानी कि उन्हें पूरे डिमोलिश करना या फिर उन्हें खत्म करना। जितना भी विष है, हमने अचानक से विष पी लिया है तो कोशिकाएं क्या अंदर होता है, ये इसका कार्य क्या होता है कि जितना विष का प्रभाव है उसको कम करना जितना हो सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बाल साहित्य जो पुरस्कार है वो कितनी भाषाओं में अब की बार दिए गए। देखिए ये 2021 में पूछ रहा है, तो 2021 में 22 भाषाओं में दिए गए थे। और अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स कि दो ऐसी भाषाएं थी जिनमें पुरस्कार नहीं दिया गया था, पहली थी गुजराती और दूसरी थी पंजाबी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि देशांतर और अक्षांश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें एक्चुअल मुझे ऑप्शन तो याद नहीं है फ्रेंड्स, और अगर आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बट फ्रेंड्स, मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि आप इस वाले टॉपिक को देशांतर और इस वाले को ये पोल और अक्षांश वाले जो टॉपिक है इसको आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो पेरियार नदी है वो किस राज्य में बहती है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, तो केरल में बहती है। और इसमें अमेजिंग फैक्ट साथियों ये है कि ये जो नदी है ना, ये सबसे ये इधर इधर केरल में सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, सबसे केरल की सबसे लंबी नदी है पेरियार नदी, ये भी आप याद रखेंगे। चलो लोकू त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, और हमने इसी चैनल पर एक वीडियो भी डाली हुई है त्योहार से रिलेटेड, आप उसे पढ़ लेना, वहां से पक्का एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएगा। देखिये नेक्स्ट पूछा गया कि जैन जो शब्द है उसमें जीन से निकलने वाले शब्द है, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है विजेता, यानी कि विजेता इसका अर्थ होगा, और ऐसी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कब किया गया, तो 6 अगस्त 2021 में इसका ये नाम बदला गया था। ठीक है, ये रिसेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो करंट अफेयर को भी आप जितने भी अवार्ड है उन्हें भी कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था उसके जो योजना आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे। जाहिर सी बात है, अब तो नीति आयोग आ गया है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, वो प्रधानमंत्री होता है, तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। बट उस समय नीति आयोग नहीं था, नीति आयोग को 2015 में बनाया गया, लेकिन उससे पहले क्या होता था, योजना आयोग हुआ करता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसकी जगह पे ये थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया कि 1930 ईस्वी में नमक कर संबंधी आंदोलन कौन सा, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि डांडी मार्च से निकला था और 12 मार्च 1930 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। ठीक है, यानी कि गांधी जी के द्वारा इसको चलाया गया। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि वी अनंत नागेश्वरम वरन किसके स्थान पर मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए, तो ये पहले KV सुब्रमण्यम थे, अब नए वाले जो आर्थिक सलाहकार हैं वे वी अनंत नागेश्वरन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से कौन सा, चार ऑप्शन आपको दिए हुए थे,
चार ऑप्शन में से आपको बताना था कि इनमें से कौन सा आपातकाल से रिलेटेड नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें आपका 358 राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे हैं, देखिए 352 किसे राष्ट्रीय आपातकाल संबंधित है और 356 किसे राज्य आपातकाल संबंधित है, 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, ये आपको पता होगा, आपने पढ़ लिया होगा पॉलिटी में। और ये अगर 358 दिया हुआ था या कोई भी और अदर ऑप्शन दिया होता वही उसका राइट आंसर होता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 2021 में DRDO द्वारा स्वदेशी मिसाइल का निर्माण किया गया, उसका नाम क्या था, तो पहले मिसाइल थी, और अब की बार और भी इससे डिफेंस रिलेटेड और भी करंट अफेयर आ सकते हैं तो आप उन्हें भी कर लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो केरल राज्य में पाए जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपका एक क्वेश्चन पूछा गया कि 28 मई 2022 को लोकपाल अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए, तो जस्टिस पीके मोहंती ये अपॉइंट हुए। देखिए फ्रेंड्स, आपने एक बात नोट कर ली होगी कि 2 से 3 क्वेश्चन तो अपॉइंटमेंट से और इन्हीं से आ जा रहे हैं, अवार्ड से आ जा रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि 28 मई 2022 को, सॉरी ये तो हमने करा दिया, महिला व बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय व यूनिसेफ के साथ में मिलकर कौन सी एक पहल या अभियान चलाया, इसका नाम है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, ठीक है, ये चलाया गया। और एक क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है, तो यह है अंशु मलिक। तो इसी तरीके की आप ऑथेंटिक और रियल व्यू पाने के लिए, रिव्यू पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। और जय हिंद, वंदे मातरम।